प्राचीन यूनानी पौराणिक कथाओं की दुनिया में ज्यूस नाम का एक शक्तिशाली देवता था, आकाश का शासक और सभी देवताओं का राजा। ज्यूस टाइप्स क्रोनस और रिया का सबसे छोटा बेटा था। क्रोनस को इस डर से कि उसका एक बच्चा उसे गद्दी से उतार देगा, उसने उनमें से प्रत्येक को जन्म के समय ही निगल लिया। हालांकि रिया ने क्रोनस को धोखा देकर ज्यूस को बचा लिया। इसके बदले में उसे निगलने के लिए एक चट्टान दी और ज्यूस को एक गुप्त गुफा में छिपा दिया। जैसे जैसे ज्यूस बड़ा हुआ, उसे अपने पिता के कार्यों के बारे में पता चला और उसने अपने भाई बहनों को बचाने की कसम खाई। मेटस की मदद से, जिसने क्रोनस को अपने निगले हुए बच्चों को उल्टी करने के लिए औषधि दी, ज्यूस ने अपने भाई बहनों हेस्टिया, हेरा, डेमेटर, पोसीडोन और हैड्स को मुक्त कर दिया। ज्यूस ने क्रोनस और टाइटन्स के खिलाफ एक महान युद्ध का नेतृत्व किया, जिसे टाइटेनोमेची के नाम से जाना जाता है। इस महाकाव्य युद्ध ने ब्रह्मांड को हिलाकर रख दिया और एक लंबे संघर्ष के बाद साइक्लोप्स और हंड्रेड हाउंडर्स की मदद से ज्यूस और उसके भाई बहन विजयी हुए। टाइटन्स की हार के साथ ज्यूस देवताओं और मनुष्यों का सर्वोच्च शासक बन गया। वो अन्य देवताओं के साथ माउंट ओलंप पर रहता था, कानून बनाना और ब्रह्मांड में व्यवस्था बनाए रखना। ज्यूस अपने बिजली के बोल्ट साइक्लोप्स द्वारा निर्मित एक शक्तिशाली हथियार के लिए प्रसिद्ध था। उसने इसका उपयोग अपनी इच्छा को लागू करने और देवताओं और मनुष्यों दोनों को नियंत्रित करने के लिए किया। ज्यूस के पास कई साहसिक कार्य थे और वो कई पौराणिक कहानियों में शामिल था। ज्यूस के साहसिक कार्यों में से एक में प्रसिद्ध गोल्डन फ्लीस शामिल है। यह कोई ऊनी ऊन नहीं थी, यह एक विशेष सुनहरी मेढ़े की खाल थी। ये हर कोई चाहता था क्योंकि इससे पता चलता था कि राजा कौन है। साहसिक कार्य की शुरुआत जेसन नाम के एक बहादुर युवक से होती है। सच्चा राजा बनने के लिए उसे गोल्डन फ्लीस प्राप्त करने की आवश्यकता थी। ऐसा करने के लिए उन्होंने अर्गोनॉट्स नामक नायकों की एक टीम बनाई। इस टीम में मजबूत हरक्यूलिस, संगीतमय ऑफियस और तेज अटलता थे। ज्यूस उनके साथ नहीं गया, लेकिन उसने दूर से मदद की। जब समुद्र में तूफान आया तो उसने उसे शांत कर दिया और उन्हें अनुसरण करने के लिए संकेत दिए। वो देखना चाहता था कि क्या वे इतने बहादुर और चतुर हैं कि अपनी खोज पूरी कर सके। अर्गोनॉट्स को बहुत सारे खतरों का सामना करना पड़ा। वे डरावनी वीणाओं से लड़े, सायरन गाने से दूर रहे और शक्तिशाली योद्धाओं से मिले। ज्यूस ने चुपचाप उनकी मदद की, ये सुनिश्चित करते हुए कि वे सुरक्षित थे, लेकिन फिर भी चुनौती दी। बड़ा क्षण कोलचिस में था, जहां ऊन की रक्षा एक अजगर द्वारा की जाती थी जो कभी नहीं सोता था। मेडिया नामक चुड़ैल की कुछ जादुई मदद से जेसन ड्रैगन को सुलाने में कामयाब रहा और गोल्डन फ्लीस ले लिया। अपनी जीत से खुश होकर अर्गोनॉट्स ने घर वापस अपनी यात्रा शुरू की। ज्यूस ने उन पर नजर रखी, उन्हें इस बात पर गर्व था कि उन्होंने क्या हासिल किया है। उनकी यात्रा ने दिखाया कि लोग कितने बहादुर और चतुर हो सकते हैं, विशेषकर देवताओं की थोड़ी सहायता से। ज्यूस की विरासत प्राचीन यूनानी पौराणिक कथाओं से भी आगे तक फैली हुई है। वो पूरे इतिहास में साहित्य, कला और सब्सक्राइब लाइक सब कर दो और ये दो जो वीडियो आ रहे हैं उनको भी चैनल में जाके देख लो। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।